हेलो फ्रेंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, इससे पहले भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर वीडियो बन चुकी है जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शंस किया था, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पायरोल के बारे में, जो कि एक 5 मेंबर रिंग वाला एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शंस, स्ट्रक्चर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि के द्वारा किस प्रकार से इसे बनाया जाता है, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और मेन टॉपिक इसका है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए फ्रेंड्स, एक सबसे पहले है रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ पायरोल। पायरोल जो है एक फिनोल से समानता रखता है। इसका जो कंजुगेंट बेस होता है, पायरोल का जो कंजुगेंट बेस होता है, वो स्टेबल होने के कारण ज्यादा एसिडिक नेचर, मतलब फिनोल के समान एसिडिक नेचर को शो करता है। तो यहां पर देखिए हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ पायरोल। एसिडिक नेचर के कारण जो भी रिएक्शन क्रिएट होती है उसे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन एंड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। तो चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन से पायरोल की स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पायरोल का इंट्रोडक्शन करते हैं। पायरोल की स्ट्रक्चर आप यहां पर देख सकते हैं, कार्बन एटम जो होता है इस प्रकार से अटैच होता है एक एक हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार से नाइट्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन के एटम के पास होता है लोन पेयर। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाई है ये इसकी, यहाँ पर देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड पाया जाता है। कुछ नॉर्मली इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस भी पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर देखिए बेंजीन के समान रिएक्शन को भी शो करता है। इसके पास नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर होता है, और यहाँ पर ये इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसमें कार्बन की संख्या 4 होती है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 5, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी इस हाइड्रोजन के, इस कार्बन के पास भी और इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो 5 हाइड्रोजन एटम हो गए और 1 नाइट्रोजन एटम, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5 और N होगा। और ऑल रिंग एटम, मतलब सभी रिंग एटम जो है 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, इस पूरी रिंग एटम में 4 कार्बन होते हैं, 1 नाइट्रोजन होता है, वो सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। और बात करें इसमें सिग्मा बॉन्ड की, तो देखिए फ्रेंड्स इसकी एक और स्ट्रक्चर यहां पर आपके सामने है पायरोल की। इसमें क्या होता है, देखिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, यहां पर ये कार्बन और यहां पर कार्बन, यहां पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है इस प्रकार से, ये वाला बॉन्ड जो है, यहां पर कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इसके बीच जो बॉन्ड बना हुआ है पाई बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच भी बना बॉन्ड यहाँ पर आपको मिलेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन पाई बॉन्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज है। इस बात करें इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की, तो इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये साइड वाइज या फिर लेटरल, आप साइड वाइज बोल सकते हैं, ये ऑर्बिटल्स जो है पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करके इस प्रकार के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड इन पायरोल यहां पर, और पाई बॉन्ड में देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर हम इसके बात करें, अगर नेचुरल में प्राकृतिक में किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, एल्कलॉइड्स में भी पाए जाते हैं। तो पायरोल का यहां पर इंट्रोडक्शन किया हमने, और ध्यान रखना इसमें लोन पेयर होता है, जिसके कारण बहुत सारी रिएक्शन इस लोन पेयर के कारण भी होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में यहां पर आपको काम करेगा, यहाँ पर इंट्रोडक्शंस को हम सबसे पहले से हम नोट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑर्बिटल्स है ये कोई ज्यादा भारी नहीं है। देखिए इस हमें करना क्या है, सिर्फ 2 पाई ऑर्बिटल यहाँ इस प्रकार से बनाने हैं सामने स्ट्रेट में, फिर उसके बाद 1 पाई ऑर्बिटल यहाँ पर बनाना है, और 1 यहाँ पर बनाना है, और 1 बीच में बनाना है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस प्रकार से हम इसे शो कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने हल्का हल्का से यहाँ पर ओवरलैप करके बॉन्डिंग सिस्टम को हमें इस प्रकार से दिखाना है, और यहाँ नीचे वाले को भी, यहाँ पर देखिए नीचे वाले को इस प्रकार से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये जुड़ गया, अब यहाँ पर जो बीच में है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसे इस प्रकार से जुड़ेंगे, तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, ये है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, पायरोल की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन एटम होता है इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम होता है, नाइट्रोजन एटम के अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर होता है। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं लोन पेयर होता है। कार्बन एटम के हाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में प्रत्येक में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस
इंट्रोडक्शंस को हम नोट कर लेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, बनाने की विधि। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला बनाने की जो विधि का मेथड्स है, सबसे पहले फ्रॉम सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड से किस प्रकार से हम एनोल फॉर्म में सबसे पहले चेंज करके फिर पायरोल को बनाते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, सक्सिनिमाइड का जो फॉर्मूला है यह आपके सामने है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन एटम अगर यहाँ से कार्बन की इस प्रकार से जुड़ा होता है, इस प्रकार से यहाँ पर देखें। अब यहाँ से इस ये जो हाइड्रोजन एटम होता है ऑक्सीजन एटम पर होता है लोन पेयर। यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेकिंग होगी कार्बन पर आएगा माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर आएगा प्लस चार्ज, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन रख लेता है, तो कार्बन पर आएगा माइनस चार्ज। इस प्रकार से माइनस चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक तो कार्बन का अपने पास होता है, दूसरा ये हाइड्रोजन का जो अपने पास छीन लेता है हाइड्रोजन से वो कार्बन। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो प्लस चार्ज है ये अटैक कर देगा प्रोटोन इस ऑक्सीजन के पास, इसके लोन पेयर पर जाकर के अटैच हो जाएगा। और लोन पेयर पर अटैच होते ही यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन पर आएगा प्लस चार्ज। ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, दो वैलेंसी से बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए तीन वैलेंसी बनने के कारण यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज। इसका लोन पेयर जो है ये यूज हो चुका है, तो प्लस चार्ज आते ही ये अनस्टेबल हो जाएगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। कार्बन और ऑक्सीजन में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस। अब इस कार्बन पर प्लस, अब ये माइनस ऑक्सीजन के पास दो चार्ज हो गए, एक प्लस का और एक माइनस का, ये दोनों प्लस और माइनस हो जाएंगे न्यूट्रल। अब इन दोनों को न्यूट्रल होने के बाद यहाँ पर इस कार्बन था माइनस, इस कार्बन पर था प्लस, अब ये दोनों आपस में बना लेंगे बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस खत्म, क्योंकि यहाँ पर बन चुका है बॉन्ड। तो ठीक इसी प्रकार से नीचे वाला प्रोसेस भी होता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज के रूप में, यहाँ माइनस आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अटैच हो जाएगा लोन पेयर पर। लोन पेयर पर अटैच होते ही यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता है ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखिए जैसे ही माइनस और प्लस आते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा ऑक्सीजन न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने के बाद यहाँ पर जैसे ही प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर बन जाता है बॉन्ड। तो देखिए यही स्ट्रक्चर यहाँ पर एनोल फॉर्म कहलाती है, यही स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, ठीक उसी प्रकार से अब हमें, मैं यहाँ पर बॉन्डिंग का जो सिस्टम है उसे लगा देता हूँ जिस प्रकार से था। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एनोल फॉर्म में चेंज करते हैं। सबसे पहले एनोल फॉर्म में चेंज करते हैं हमें प्रायोडीन बनाने के लिए। अब देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी पहले, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं था और यहाँ पर था CH2, इसका क्या नाम है, सक्सिनिमाइड। अब सक्सिनिमाइड का करा देते हैं ट्यूटोमराइजेशन, तो ट्यूटोमराइजेशन करने के बाद ये चेंज हो जाता है एनोल फॉर्म में। अब एनोल फॉर्म में देखिए किस प्रकार से क्या क्या क्रियाविधि हुई, अभी आपको मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर से हमें बनाना है ये स्ट्रक्चर, मतलब पायरोल। तो यहाँ पर करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ से हम इसमें डाल देंगे ZnO, जिंक। जिंक ग्रुप क्या करता है, ये OH ग्रुप को ZnO के रूप में बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर देखिए पायरोल बन जाएगा और ZnO और H2O जो है H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट मेथड्स में इस प्रकार से सक्सिनिमाइड से हम पायरोल को बना सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड मेथड के बारे में, सबसे पहले से हम नोट कर लेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सेकेंड हेडिंग डालेंगे फ्रॉम सक्सिनिल्डिहाइड। सक्सिनिल्डिहाइड से किस प्रकार से हमें पायरोल बनाना है, देखिए इसका ये एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर, तो इसलिए और यहाँ पर सक्सिनिक एसिड में एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन करके यहाँ पर देखिए बनाता है सक्सिनिल्डिहाइड। तो सक्सिनिल्डिहाइड से किस प्रकार से हमें पायरोल बनाना है, इसका ट्यूटोमराइजेशन कर देंगे जैसे अभी हमने किया था। इसका ट्यूटोमराइजेशन, यहाँ से एक एच निकलेगा, यहाँ पर माइनस प्लस, अभी आपको मैंने सिस्टम समझा दिया था, बार बार समझाऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। देखिए इस प्रकार से अटैच हो जाते हैं, जैसे उसमें अटैच हो गए इससे पहले, और ये बना लेगा सबसे पहले एनोल फॉर्म। एनोल फॉर्म बनाने के बाद अब ये रिएक्शंस करेगा अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। किस प्रकार से, देखिए इस अमोनिया को मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेता हूँ HH, इसके दो हाइड्रोजन में इस तरह। अभी इस अमोनिया को मैं इसे इस प्रकार से लिख लेता हूँ NH, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो OH है ये इस H के साथ रिएक्शंस करेगा और ये OH इस H के साथ रिएक्शंस करके वाटर का दो मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे इस प्रकार से,
2H2O बाहर, अब यहाँ से कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ से भी एक वैलेंसी फ्री हुई, और जैसे ही फ्री होती है हमारे पास बचता है क्या, NH। अब ये NH के साथ इस प्रकार से बॉन्डिंग बना लेता है, जिसका अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाती है हमारे पास पायरोल, जिसका नाम है पायरोल। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सेकेंड मेथड है, इसमें एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ट्यूटोमराइजेशन, जैसे हमने फर्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने समझा दिया था कि कैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एटम निकल कर यहाँ पर अटैच होता है, ठीक है, वही यहाँ पर एनोल फॉर्म में चेंज होती है, अमोनिया के साथ रिएक्शंस करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शंस करेगा, वाटर के दो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, और वाटर के दो मॉलिक्यूल बाहर होती है NH जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जरूर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पर आएगा प्लस, यहाँ पर भी आएगा प्लस, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर माइनस, अब ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बनाने के बाद इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। तो इसे हम नोट कर लेंगे। थर्ड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम फ्यूरोन, फ्यूरोन से किस प्रकार से हमें पायरोल बनाना है, इसका भी एक सिंपल मेथड है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एमसीक्यूज में इस प्रकार से पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देंगे, पी लिख देंगे कि आप, और साथ में आपको चार ऑप्शंस मिल जाएगा कि क्या कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले होता क्या है, ये फ्यूरोन है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फ्यूरोन को, फ्यूरोन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से भी होती है। यहाँ पर देखिए फ्यूरोन जब अमोनिया के साथ रिएक्शंस करता है तो इसके बीच होता क्या है, इसके बीच वाटर का एक मॉलिक्यूल इस प्रकार से निकल जाता है। देखिए यहां से ऑक्सीजन, यहां फ्यूरोन का ऑक्सीजन एटम, नाइट्रो अमोनिया का दो हाइड्रोजन एटम आपस में रिएक्शंस करके वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखिए जैसे यहां पर ऑक्सीजन जो होता है यहां पर आएगा पॉजिटिव, यहां पर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। यहां पर जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं हाइड्रोजन से बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन से यहाँ पर खाली शो करके हम दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन से नहीं है, यहाँ पर बॉन्डिंग जो है कार्बन से हुई है। तो देखिए यहाँ से जैसे ही निकलेगा यहाँ पर कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर आएगा, जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। अब ये माइनस ये प्लस, ये माइनस नाइट्रोजन का और यहाँ पर कार्बन का प्लस, आपस में बना लेते इस प्रकार से बॉन्ड, दोनों बॉन्ड। अब दोनों बॉन्ड बनाने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो होती है पायरोल, और वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हमें पता होता है कि किस प्रकार से इसके बीच प्रोसेस क्या हुआ, क्या रिएक्शन हुई, कहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो हमें रिएक्शन जो है आसानी से याद हो जाती है। तो इसे हम नोट कर लेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में लास्ट पॉइंट है हमारा पालनोर सिंथेसिस। पालनोर सिंथेसिस में होता क्या है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, इसे चेंज करते हैं सबसे पहले एनोल फॉर्म में। एनोल फॉर्म में देखिए OH ग्रुप जो है यहाँ पर कार्बन एटम पर जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद NH3 के साथ रिएक्शंस करवा देते हैं, और NH3 का जो दो हाइड्रोजन एटम है इस OH एटम के साथ रिएक्शंस करके वाटर के दो मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता है, और लास्ट में बनता जो हमारा प्रोडक्ट वो बनता है पायरोल, जो हमें पायरोल यहाँ पर बनाना था। तो इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। देखिए इसमें बस मैंने यहाँ पर आपको ओपन करके नहीं दिखाया क्या होता है, क्योंकि इससे पहले ही रिएक्शंस मैंने आपको दिखा दिया कि नाइट्रोजन एटम जो है इस प्रकार से ओपन होता है अमोनिया का, और यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये H ये OH के साथ रिएक्शंस करेगा, ये H इस OH के साथ रिएक्शंस करेगा, यहाँ पर माइनस पॉजिटिव। आप समझ सकते हैं कि कार्बन पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, हमेशा ध्यान रखेंगे। और इन दोनों के कंपेयर में अगर आप हाइड्रोजन की तुलना करें तो अगर इन दोनों के यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव, अगर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक है यहाँ पर पॉजिटिव, इन दोनों से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन एटम। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बॉन्डिंग जब आप ब्रेक करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखिए किस पर आएगा, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पर कि कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर आएगा माइनस, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरे से कंपेयर, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जाकर के वीडियो में, फिलहाल इसे नोट कर लेंगे। अब डिस्कस करेंगे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक अवस्था के बारे में, तो भौतिक गुणों के बारे में, तो इट इज ए कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 131 डिग्री सेल्सियस। सोलिबिलिटी की बात करें तो स्प्रिंगली सोल्युबल इन वाटर बट फेयरली सोल्युबल इन एथेनॉल एंड आयदर। इट इज ए डार्कनेस इन एयर, एयर में आकर के ब्राउन कलर का हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को नोट कर लेंगे। अब डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
केमिकल प्रॉपर्टीज को जरूर देखें। तो फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ पायरोल। पायरोल एसिडिक नेचर का होता है, थोड़ा सा एसिडिक नेचर के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स फिनोल की तरह पायरोल भी क्या करता है, नाइट्रोजन एटम्स ये जैसे ही इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, ये जो H+ है ये अपना H+ प्रोटॉन डोनेट कर देता है। H+ कैसे, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर H+ आएगा और नाइट्रोजन पर आएगा माइनस। इस प्रकार से अब ये जैसे इस पर माइनस आता है ये बना, ये हो जाएगा पायरोल एनायन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन को डोनेट कर देता है वाटर फिनोल की तरह। तो यहाँ पर इसका जो पायरोल का जो एनायन है ये रेजोनेंस शो करता है, ये एरोमेटिक करेक्टर का होता है, इसके बीच भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दोनों तरफ। तो यहाँ पर ये भी फिनोल की तरह ये भी रेजोनेंस शो करता है इस प्रकार से, ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनके बीच। देखिए इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे यहाँ से जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे इसका जो लोन पेयर है आगे बॉन्ड शिफ्टिंग में भाग लेता है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, दो बॉन्ड को हमें छोड़ देना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर माइनस चार्ज यहाँ पर है तो एक बॉन्ड ये छूटा हुआ है, एक बॉन्ड ये छूटा हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर माइनस, ये इसकी कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ये जितना स्टेबल होगा, ये जो पायरोल एनायन है ये जितना स्टेबल होगा इसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी एसिड का जो बेस होता, एसिड का जो कॉन्जुगेंट बेस होता है वो जितना ज्यादा स्टेबल होता है एसिडिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये स्टेबल होता है इसलिए अगर ये स्टेबल होगा तो ये दोबारा H+ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, दोबारा एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा तो ये ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो इस प्रकार से पायरोल भी जो होता है वो एसिडिक नेचर को शो करता है। चलिए कुछ इसके रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ पायरोल, पायरोल जो होता है एक एसिडिक नेचर का होता है और बेस के साथ रिएक्शंस करके सॉल्ट बनाता है। हमेशा ध्यान रखना एसिड बेस प्लस मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं और प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ पर पायरोल एसिड है, ये बेस के साथ निकल कर सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर का एक मॉलिक्यूल। इसका एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर पायरोल एसिडिक होता है प्लस KOH एक बेस है, ये रिएक्शंस करेगा OH के साथ, ये H+ ये OH-, यहाँ से रिएक्शंस करके आपस में वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। और ये यहाँ पर पोटेशियम पर होगा प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पर होगा माइनस चार्ज, ये आपस में यहाँ पर जुड़ करके पोटेशियम सॉल्ट बना लेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पर देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करता है, ये रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, इसे नोट कर लेंगे। देखिए पायरोल जब रिएक्शंस करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMGX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है। R मतलब एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 ले लिया हमने, MG यहाँ पर रहेगा, X मतलब हैलाइड ग्रुप, कोई भी हैलोजन एटम जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, देखिए यहाँ पर हमने BR ले लिया। तो ये जब रिएक्शंस करेगा तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो यहाँ पर देखिए प्लस आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस। अब यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर प्लस, हाइड्रोजन पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब ये जो माइनस वाला है इस प्लस पर जुड़ जाएगा, ये जो CH3 है इस हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ नाइट्रोजन एटम इस मैग्नीशियम आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। और देखिए CH3 इस हाइड्रोजन एटम को जैसे ही माइनस प्लस के साथ ऐड हो जाएंगे, मेथेन का एक मॉलिक्यूल बनेगा और साथ में MgBr यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये एसिडिक नेचर को शो करता है, तो इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो हाइड्रोजन के को किसी भी एटम्स के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दे, प्रतिस्थापित कर दे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, ये क्या है, हैलोजिनेशन है, मतलब हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनका एडिशन हैलोजिनेशन। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन का एडिशन, किस प्रकार से, देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है अगर आपको स्पेलिंग नहीं दिख रही है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है क्लोरीनेशन, और H2Cl2 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शंस करता है तो यहाँ पर देखिए इस पायरोल के 2, 4, 2, 3, 4, 5 पोजिशन पर क्लोरीन एटम जुड़ जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, और हाइड्रोजन निकलता है 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में। देखिए जो सल्फर S2 जो है ये हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल जाता है, उसका नाम क्या है, टेट्राक्लोरोपायरोल। तो ठीक इसी प्रकार से इन सभी में रिएक्शंस होती है, ब्रोमिनेशंस में, आयोडिनेशंस में, इन दोनों में, ब्रोमिनेशंस में Br2 की
CH3OH मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शंस करता है और बनाता है टेट्रा ब्रोमो पायरोल। कौन सी पोजीशन में? 2, 3, 4, 5। देखिए ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन एटम से स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 2, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पर 2, 3, 4, 5 टेट्रा ब्रोमो पायरोल। और जो यहाँ पर जो ब्रोमिन जो हमने लिया था और दूसरे वाला जो ब्रोमिन लिया था हमने यहाँ पर वो निकल जाएगा 4HBr के प्रेजेंस में। आयोडीनेशंस की बात करें यहाँ पर भी देखिए सेम वही रिएक्शंस होगी, 2, 3, 4, 5 पोजीशंस पर यहाँ पर टेट्रा आयोडो पायरोल बना लेगा और 4HI रूप में बाहर निकल जाएंगे। अब ध्यान देने वाली है सल्फोनेशंस रिएक्शंस। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर्ड सल्फोनेशन मतलब सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन। देखिए SO3 की प्रेजेंस, SO3 और पायरिडीन की प्रेजेंस में जब रिएक्शंस करता है तो यहाँ पर देखिए दूसरे पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाता है जिसका नाम क्या है, पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड। नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप का एडिशन। किस प्रकार से? HNO3 एक हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्शंस करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जब ये रिएक्शंस करता है तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 2 नाइट्रो पायरोल। सेकेंड पोजिशन पर NO2 ग्रुप एड हो जाता है तो यहाँ पर इसका नाम क्या हुआ, 2 नाइट्रो पायरोल, और वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट हो जाता था। ये कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, और भी कुछ एग्जांपल देंगे, सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में 6 रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस। अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस। अब ये रिएक्शंस करता है SnCl4 की प्रेजेंस में और बनाता है 2,4-एसिटाइल पायरोल, मतलब 2 दूसरे नंबर पर यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो इसे बोलेंगे 2-एसिटाइल पायरोल, और साथ में एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनता है। 7th रिएक्शन है राइमर टीमन रिएक्शन। ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, CHCl3+3KOH। ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है, इस पायरोल के साथ, पायरोल के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। राइमर टीमन रिएक्शन CHCl3+3KOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप सेकेंड नंबर पर एडिशन हो जाता है और साथ में 3KCl+2H2O बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद 8th रिएक्शन में कोलबी रिएक्शंस में देखो क्या होगा, CO2 के प्रेजेंस में हीट और हाइयर प्रेशर देते हैं तो यहाँ पर COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है, इसका क्या नाम होगा, पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। 9th नंबर की रिएक्शन है गाटरमैन फॉर्माइलेशन, मतलब फॉर्माइल ग्रुप का एडिशन। कैसे? सबसे पहले रिएक्शन करेगा HCl के साथ और HCl की प्रेजेंस में, उसके बाद इसे हाइड्रोलिसिस कर देंगे और जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हमें प्राप्त होगा यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो CHO ग्रुप है, जो फॉर्माइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इन दोनों का क्या नाम हुआ, 2-फॉर्माइल ग्रुप है पायरोल, 2-फॉर्माइल पायरोल, इसका भी नाम होगा 2-फॉर्माइल पायरोल, इसे उतार लेंगे। और 2-4 एग्जांपल और लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, क्योंकि MCQs है, MCQs में हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये दोनों रिएक्शंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम नोट कर लेंगे। पायरोल जब रिएक्शंस करता है हुब एंड होस्ट रिएक्शन, मतलब मिथिल साइनाइड के साथ HCN की प्रेजेंस में और फर्स्ट नंबर पर रिएक्शंस करता है, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें प्राप्त होता है 2-एसिटाइल पायरोल COCH3, एसिटाइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है 2-एसिटाइल पायरोल। और सेकंड कपलिंग रिएक्शंस, अब देखिए कपलिंग रिएक्शंस में जब C6H5N2+ के साथ रिएक्शंस करेगा तो यहां पर होगा एजोइड, ये बना लेगा एजोइड। देखिए यहां पर ये जो X है ये पर दिखाया गया है कि जब N2 और X के बीच बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस, X एक हैलोजन एटम है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रेजेंस इस फॉर्म में रिएक्शंस करेगा, रिएक्शंस करने के बाद यहाँ पर बना लेगा एजोडाई, इसका नाम होगा एजोडाई। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एजोडाई, अगर यहाँ पर P लिख देंगे, अगर यहाँ पर क्वेश्चन MCQs अगर है तो क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पर पायरोल रिएक्ट विद कपलिंग रिएक्शंस, यहाँ पर C6H5N2, यहाँ पर लिख देंगे P, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर देखिए एजोडाई जो है ऑप्शन में, अगर एजोडाई है तो उस पर चेक का निशान लगाना है। तो इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जब पायरोल रिएक्शंस करेगा NaOHCl इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा डाइक्लोरोमेलिनेमाइड, और यदि ऑक्सीडेशन होता है CR क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम
यहाँ पर CH3CWH एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शंस करेगा तो बनाएगा मेलिनिमाइड, मेलिनिमाइड। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। रिंग एक्सपेंशन मतलब रिंग का प्रसार, थोड़ा सा बड़ा होना रिंग। देखिए यहाँ पर 5 मेंबर था, ये था 5 मेंबर और यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग बन गया। तो किस प्रकार से देखिए, सबसे पहले रिएक्शन करता है सोडियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंस में पायरिडीन, और फिर इसके बाद मिथाइलिन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो जैसी रिएक्शन करेगा तो इसकी जो रिंग है वो एक्सपेंड करेगी, मतलब बढ़ जाएगी, और बढ़कर यहाँ पर बनाएगी पायरिडीन और प्लस 2NaI और साथ में एक मिथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल, मिथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो ये रिएक्शंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस प्रकार से पायरिडीन से, पायरोल से पायरिडीन बनता है, ये एक रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है, 5 मेंबर टू 6 मेंबर में कन्वर्ट होता है। लास्ट हेडिंग डालेंगे रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, मतलब जैसे रिंग है अगर मैं इसे ब्रेक करके ओपन कर दूं, ये स्टेम साइक्लिक रिंग है, अगर हम इसे ओपन कर दूं तो किस प्रकार से ओपन होगी। देखिए रिएक्शंस करेगा हाइड्रोजाइन, हाइड्रोजाइन एमीन के साथ, हाइड्रोजाइल एमीन के साथ रिएक्शंस करेगा। ये हाइड्रोजाइल है और ये एमीन है, हाइड्रोजाइल एमीन के साथ रिएक्शंस करेगा। जब इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये बनाता है सक्सिनेल्डिहाइड डाइऑक्साइड। किस प्रकार से देखिए, इसकी जो रिंग है ये ओपन हो जाती है और यहाँ पर जो NH3 है वो माइनस हो जाता है, यहाँ पर अमोनिया का एक मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाता है। तो ये रिंग एक्स, यहाँ पर रिंग ओपनिंग का एक एग्जांपल है, रिंग ओपनिंग का एग्जांपल, जिसमें हाइड्रोक्साइल एमीन को एक साथ पायरोल को हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शंस कराएंगे, हीट कर देंगे, जैसे हीट करेंगे NH3 का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और रिंग ओपन हो जाएगी, उसका नाम क्या होगा, सक्सिनेल्डिहाइड डाइऑक्साइड। इस प्रकार से नोट कर लेंगे दोस्तों, ये लास्ट रिएक्शंस की, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।